तो हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हो मैंने लव स्टोरी पर काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मैंने सोचा कि आपके लिए ऐसी ही एनिमे पर वीडियो बनाऊं जो मैंने देख रखी है और बहुत ही अच्छी रोमांटिक सीरीज़ है। आज टॉप 5 ऐसी रोमांटिक सीरीज़ बताऊंगा जो आपको हिंदी डब्ड में मिल जाएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत बेस्ट सीरीज से करते हैं। इसकी कहानी मैं बताऊं तो हमारा हीरो मोटा और छोटा होता है, दिखने में भी अच्छा नहीं, इसलिए स्कूल में उसे सब बुली करते हैं। उसे स्कूल चेंज करना पड़ता है और जब दूसरे स्कूल में जाता है तो उसे एक बॉडी मिलती है जो लंबा और हैंडसम दिखता है, जैसे कि हीरो अपने ड्रीम में देखता है। और उस बॉडी में स्विच करके जब कॉलेज जाता है तब सारी गर्ल उसके आगे पीछे घूमती रहती है, जो आपको देखने में मज़ा आएगा। और ज़्यादा बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो जाओ और इसे देखो, नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में मिल जाएगी। नंबर 4 की सीरीज़ जो एक एडवेंचर एक्शन सीरीज़ है जिसमें ब्रूटैलिटी और वायलेंस भर भर के देखने को मिलेगा। इसकी कहानी पर आऊँ तो एक ऐसे ग्रुप की होती है जिनको मिशन दिया जाता है ख़तरनाक क्रिएचर को मारने के लिए। इस एनिमे सीरीज़ को अमेज़ॉन प्राइम पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। इस बैड एस सीरीज़ का नाम है द लेजेंड ऑफ वोक्स मकीना। इसको एक ट्राई ज़रूर देना। नंबर 3 की सीरीज़ जो रोमांस से भरी हुई है। कहानी की बात करें तो हमारा हीरो बचपन में किसी से प्यार करने लगता है, लेकिन हमारी हीरोइन उसे नकार देती है क्योंकि हमारा हीरो मोटा होता है। कुछ साल बाद खुद को चेंज कर लेता है। फिर जब उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है तो हमारा हीरो ठान लेता है कि उसे अपने प्यार में फंसा कर फिर उससे ब्रेकअप कर लेगा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको मासामुने कौन नो रिवेंज देखना पड़ेगा। अभी ये इंग्लिश डब्ड में है, लेकिन अनऑफिशियल हिंदी डब्ड आपको यूट्यूब या किसी और साइट पर मिल जाएगा। सेकेंड नंबर की सीरीज यार, इसमें सिर्फ रोमांस रोमांस प्लस कॉमेडी, जिसे देखते वक्त आप बोर नहीं होगे। इस सीरीज की केमिस्ट्री इतनी लवली है कि आप अगला एपिसोड देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाओगे। और इस सीरीज का नाम है माय ड्रेस अप डार्लिंग। और फाइनली नंबर 1 की सीरीज, ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। आप पहले ही एपिसोड से चिपक जाओगे। इसमें जो फाइट सीक्वेंस है मैं बस इतना बोलूँगा, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसकी बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चलती है मज़ा दोगुना कर देती है। इसका CGI और VFX कमाल का है। ये एक एक्शन एडवेंचर सीरीज़ है जिसे मैंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार देखी है, और मुझे यकीन है आपका फेवरेट एनिमे सीरीज बन जाएगी। इस एनिमे का नाम है डेमन स्लेयर।
इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। तो बस वीडियो यहीं तक की थी, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। हाई स्कूल लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।